मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खोया। रोहन नाम था उसका। रोहन और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। 12वीं पास होने के बाद हम दोनों ने ही इंदौर के एक फेमस कॉलेज में एडमिशन लिया। हम हमेशा साथ में ही रहा करते थे। हम दोस्त कम भाई ज़्यादा थे। हमारे लिए इंदौर शहर अनजान था, लेकिन फिर भी हम कुछ ही दिनों में उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए, क्योंकि मैं और रोहन हमेशा रात में लॉन्ग ड्राइव पे निकला करते थे। ऐसे ही एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाने का फैसला किया। रोहन ने मुझसे कहा, भाई आज इंदौर के जंगलों में जाते हैं, सुना है वहाँ का रास्ता मक्खन जैसा है। हमने उस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वहाँ पे जो एक बार जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन हमने इन सब बातों को सिर्फ एक अफवाह समझी। वो रात एक अमावस की रात थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं रोहन के साथ जंगल जाने को तैयार हो गया। रात के 10 बज रहे थे और हम उस जंगल में दाखिल हुए, लेकिन बड़ी ही अजीब बात थी, वहाँ पर दूर दूर तक हमें कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। वो पूरा जंगल बिल्कुल ही सुनसान था। ये बात मुझे थोड़ी तो अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हमने बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। रास्ते में हमें एक ब्रिज दिखाई देता है, हमने उस ब्रिज के पास में बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बाजू में ही एक बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उस बोर्ड पर काफी धूल जमी हुई थी, इसलिए उस पर क्या लिखा है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों गए और पुल के पास में खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और मौसम भी काफी अच्छा था, और अमावस होने के कारण चांद भी पूरा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक जंगल में से दूर कहीं भेड़िए की रोने की आवाज़ आ रही थी। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि जब भी रात को कोई जानवर रोता है तो हमारे आसपास कोई खतरा होता है, और ये बात मुझे पता थी। रोहन, यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात को किसी भी जानवर के रोने का मतलब है हमारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तो इतना डर क्यों रहा है? रात को पूरे चांद को देखकर भेड़िया तो चिल्लाता ही है, ये उसका स्वभाव है। चल अब चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे और खूबसूरत नज़ारे देख। रोहन ने बस इतना ही मुझसे कहा, तभी मैंने रोहन के पीछे एक परछाई खड़ी हुई देखी। देखने से तो वो एक लड़की की तरह लग रही थी। तभी अचानक वो परछाई पुल के ऊपर खड़ी हो गई। मैंने रोहन को कहा, रोहन रोहन वो देख, वो लड़की क्या करने जा रही है। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग पर खड़ी थी। रोहन ने कहा, यार लगता है वो औरत खुदकुशी करने जा रही है। खुदकुशी? अचानक से ये शब्द सुनते ही मानो कि मेरे पैर ही जम गए, क्योंकि जब मैं 12 साल का था तब मेरे दादा ने मेरे सामने ही फांसी लगा ली थी, और उनकी लाश सबसे पहले मैंने देखी थी, जो कि आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। नीचे उतरो, यह कहते हुए रोहन उस औरत की तरफ भागा। रोहन उस औरत के बहुत ही करीब जा चुका था, लेकिन तभी वो औरत नदी में कूद जाती है। तब तक मैं भी भागकर रोहन के करीब पहुंचा। वो औरत हमारे सामने ही डूब रही थी और ज़ोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से रोहन भी उस पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने रोहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन नहीं माना और वो भी नदी में कूद पड़ा उस औरत को बचाने के लिए। वह तैरते तैरते नदी में देखने लगा, लेकिन अचानक से वो औरत उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। रोहन ने सोचा, कहीं वो औरत डूब तो नहीं गई। तभी अचानक से मुझे महसूस होता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है।
रोहन नदी की सतह पे पुल के नीचे से हमें ही देख रहा था। शायद उसे भी पता चल चुका था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अभी अचानक से रोहन छटपटाने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसके पैर को कोई पकड़ के नीचे खींच रहा है। अचानक से रोहन नदी के अंदर डूब जाता है और कुछ देर बाद नदी में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये सब देखकर मैं समझ गया था कि चुड़ैल ने रोहन को मार दिया है। यह देखकर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर भी काफी लोग खड़े थे। मैं झटपट पुल की ओर भागा। जब मैंने पुल से नीचे देखा तो रोहन की आधी कटी हुई लाश पानी में तैर रही थी।